उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चाहे कितने दावे करती हो कि उसके 5.5 साल के शासनकाल के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, अब महिलाएं रात में भी अकेले गहनों के साथ घूम सकती हैं, क्योंकि कानून का खौफ अपराधियों के मन में बैठा हुआ है। लेकिन अब जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे वो इन बयानों के विपरीत प्रदेश के असली हालातों को बयां कर रही है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये घटना हुई है यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में, जहां दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली गई। चेन स्नैचिंग की पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि यहां पलक झपकते ही एक स्कूटी सवार महिला से दो बाइक सवार लुटेरों ने चेन लूट ली। पहले बदमाशों ने महिला को पीछे से ओवरटेक किया, फिर उसका रास्ता ब्लॉक करके उसे रोका, फिर बीच सड़क ही झपट्टा मार चेन लूटकर फरार हो गए। घटना के दौरान महिला ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने चकेरी थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस ने चकेरी समेत कानपुर में नाकाबंदी भी की है। लुटेरों के चेहरों की पहचान की जा रही है। ये घटना चकेरी इलाके के बंगाली कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े घटी थी। हम यहाँ एचएल से आ गए, एमएस ऑफिस है, डिफेंस में काम करते हैं। अभी हम आधे घंटे पहले यहाँ अपने घर आ रहे थे, थोड़ा काम था हमें, तो यहाँ से दो लोग मेरा पीछा करते हुए आए और उन्होंने अचानक से बाइक कर दी। हमने उनको बिल्कुल डांटा भी कि तुमने जो अचानक से बाइक क्यों कर दी, थोड़ा रुकना चाहिए था। तो वो सॉरी करते करते और दूसरा उतरा फटाक से, उसने मेरी चैन खींची, हमने अपनी स्कूटी छोड़ दिया, उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो दोनों भाग। कई लोगों से हमने कहा कि पकड़ो इसके, लेकिन कोई पकड़ा नहीं। क्या पकड़ लेता। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? खाली था जी। आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम अपने घर जा रहे थे, हमें थोड़ा काम था, हमारा यहाँ रूम है, पास में रहते हैं। आपको बता दें, पीड़ित महिला का नाम प्रेमलता है और वो मूल रूप से फतेहगढ़ की रहने वाली हैं। प्रेमलता एयरफोर्स स्टेशन के एमईएस में सीनियर ऑडिटर के पद पर तैनात हैं और चकेरी के बंगाली कॉलोनी में किराए पर रहती हैं। एक और पहलू ये भी है कि महिला अधिकारी ड्यूटी से वापस घर लौट रही थी, तभी घर से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही उनके साथ लूटपाट की घटना हो गई।